थोड़ी सी वॉल पुट्टी से ये चार पॉकेट प्लांटर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। मैं हूं नरेंद्र दिल्ली इंडिया से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। एक मजबूत मोटा कार्डबोर्ड लें और इसे कोन की शक्ल दें, लास्ट में सेलोटेप से चिपकाकर इसे फिक्स करें और फिर कैची से काटकर इसे बैलेंस कर लें। दोस्तों ये वॉल पुट्टी है किसी भी हार्डवेयर दुकान पे आसानी से मिल जाता है, बेस्ट रिजल्ट के लिए यही इस्तेमाल करें। अंदाज से 3 या 4 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर में केवल पानी मिलाकर आप बहुत ही बढ़िया डो बना सकते हैं। डो बनाने का तरीका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से डो बनाना सीख सकते हैं। ये डो 3 से 4 घंटे चलता है और हमेशा इसे हम गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हमें जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही डो बनाते हैं। इसी डो से थोड़ा थिक शीट बनाएं, अगर डो अच्छा है तो ये नॉन स्टिकी होगा और जो आपने कोन बनाया है उसे किसी चीज़ से सहारत देकर एडजस्ट करें और इसी शीट से कोन को कवर करें। 2 शीट को एक बार में कवर कर सकते हैं, 2 शीट के बीच के जो गैप है उसे केवल उंगलियों और केवल पानी से स्मूथ करें, वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। चाहे तो पुराने नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 इंच छोड़कर एक होल करें। दोस्तों ये ड्राई हो गया है तो अब हम बाकी का जो एरिया है उसे हम कवर कर लेंगे। जितना एरिया कवर हो सकता है आसानी से उतना ही करें और फिर से ड्राई होने दें, फिर जैसे ही सूखता है तो बाकी एरिया को हम कवर कर लेंगे। हमारा जो क्राफ्ट है ड्राई हो गया है तो पेपर को निकाल ले, ना निकले तो थोड़ा सा पानी डालकर पेपर को मॉइश करें, ये निकल जाएगा। वॉल पुट्टी डो से एक लंबा स्ट्रिप बनाए और ऊपर से लेके नीचे तक इसे चिपका दें ताकि एक बॉर्डर की तरह बन जाए। एक तरफ केवल पानी से इसे स्मूथ कर ले। इस तरह के स्ट्रिप्स या कोई भी वॉल पुट्टी के क्राफ्ट को चिपकाने के लिए वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल बना ले थिक और उसी से चिपकाया करें। जब तक हमारा कोन सूखता है तब तक हम वॉल पुट्टी के डो से छोटे छोटे प्रॉप्स बना लेंगे, कुछ फ्लावर्स के, कुछ लीफ और कुछ ऐसे बटन जैसे प्रॉप्स बना लेंगे, ढेर सारे बना लेंगे ताकि बाद में हमें कमी ना पड़े, क्योंकि हमें क्राफ्ट पे बाद में इसे चिपकाना पड़ेगा। पेपर को करीब 6 इंच हाइट का काट कर लीफ जैसा बना लें और वॉल पुट्टी की शीट पे इसे रख कर वॉल पुट्टी के शीट को कट कर लें तो आपका लीफ जैसा एक आकार मिल जाएगा और फिर इसकी डिटेलिंग हम कर लेंगे। इस लीफ को किसी भी गोल डब्बे पे रखें, चाहे प्लास्टिक का हो या किसी धातु का डब्बा भी हो सकता है, और उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग कर लेंगे यानी इसके नर्व्स बना लेंगे। लीफ की डिटेलिंग करने के लिए चाहे तो पुराने नेल कटर या पुराने चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसे गोल डब्बे पे इसलिए रखा ताकि जो हमारा लीफ है उसकी जो शेप है हल्की सी कर्व आ जाए। इसे हम ड्राई होने देंगे और 3 का सेट बना लेंगे यानी 3 लीफ इसी तरह बनाकर ड्राई होने देंगे। लीफ चिपकाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी बना लें और ऊपर की तरफ एक होल कर लें ताकि बाद में आप इसे टांग सकें। हमारे जो 3 लीफ हैं वो ड्राई हो गए हैं तो लीफ के किनारे पे वॉल पुट्टी का थिक डो लगाएं और 3 लीफ को एक कंपोजिशन बनाकर चिपका लें। चिपकाकर इसे फिर से डब्बे पे रखें, ये काम सावधानी से करें और इसे अच्छी तरीके से ड्राई होने दें। प्लेटफॉर्म अगर छोटा पड़े तो इसे बड़ा कर सकते हैं। जो पत्तियां हैं वो ड्राई हो गई हैं, चिपक गई हैं आपस में, तो दोनों किनारे पे थोड़े ज़्यादा डो लगाकर और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इसे चिपका देना है। वॉल पुट्टी के घोल के सहारे चिपका लें और इसे बहुत ही बढ़िया से ड्राई होने दें। और जैसे ही आप इसे प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो किसी चीज़ से सहारा दे दें ताकि इसमें थोड़ा सा डायमेंशन आ जाए। 1 लीटर वाली कोई भी प्लास्टिक की डब्बी ले, गोल शेप वाली, और नीचे से 5 इंच छोड़कर काट ले और आगे की तरफ थोड़ा वी शेप दे। बॉटल पे कहीं कहीं वॉल पुट्टी का घोल लगाएं और लंबे शीट्स बनाकर इस बॉटल को कवर करें। पूरे बॉटल को कवर करें और जो ज्वाइंट्स हैं उन्हें आप नेल कटर या पुराने चाकू से स्मूथ करें, केवल पानी के सहारे स्मूथ करें और इन्हें ड्राई होने दें। क्राफ्ट का साइज देखकर एक
छोटा सा ओवल शेप बनाएं और जो वी शेप है उसी के सेंटर में इस ओवल शेप को वॉल पुट्टी के घोल के सहारे चिपका लें ताकि देखने में ये ओवरलैप लगे। एक तरफ केवल पानी से इसे स्मूथ कर लें। इसे हम फिर से अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे। कड़ी धूप में ये 2-3 घंटे में ड्राई हो जाता है। वॉल पुट्टी क्राफ्ट का ड्राई होना इसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। 6 या 7 इंच का वॉल पुट्टी का शीट बनाएं और कोई भी ढक्कन ले, प्लास्टिक का भी हो सकता है। इसे हल्के से दबाएं और बिल्कुल गोल आकार दें। चारों तरफ जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें आप नेल कटर या पुराने चाकू से निकाल दें। ऊपर की तरफ 1 या 1.5 इंच छोड़कर एक होल करें। जैसे ही ये ड्राई होता है हम फिर से एक आधा चांद की तरह एक शीट बना लेंगे। गोल शीट के ठीक सेंटर में एक कम हाइट की कटोरी रखेंगे, चाहे प्लास्टिक का हो या मेटल का। इसके ऊपर थोड़ा सा टेलकम पाउडर छिड़क लें। किनारे पे केवल आधे में वॉल पुट्टी का घोल लगाएं और जो आपने आधा चांद की तरह शीट बनाया था बिल्कुल आधे कटोरी पे इसे कवर करें और चारों तरफ इसे हल्के से दबाव देते हुए चिपका लें। बाकी का जो एरिया है वो नाइफ के सहारे हटा लें। चाहें तो नाइफ से एक बॉर्डर बना सकते हैं। दोस्तों इसे आधी कटोरी ही कवर करें। अगर आधे से ज़्यादा कवर करेंगे कटोरी निकल नहीं पाएगी। दोस्तों ये ड्राई हो गया है, अब कटोरी को आसानी से निकाल सकते हैं। साथ में आपने जो छोटे छोटे प्रॉप्स बनाए थे उसे वॉल पुट्टी के घोल से चिपका लें। दोस्तों ये खाली मिल्क पाउच है, आपके घर में तो आता ही होगा। इसे फोल्ड कर लें। एक फोल्ड करके वहाँ पे सेलो टेप लगाएं, फिर पूरा फोल्ड करते हुए एक कोन की शक्ल दें। अंतिम सिरे पे भी बढ़िया से सेलो टेप चिपकाएं तो आपका घर में ही कितना सस्ता और अच्छा कोन तैयार हो गया। 1 चम्मच वॉल पुट्टी पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर और 1 चम्मच वेनेगर, 1 चम्मच फेविकोल, कोई भी फेविकोल, इन सबको अच्छे से मिलाएं ताकि एक भी गुठली ना रहे। अगर कोन को 4 पार्ट करेंगे तो 3 ही पार्ट इसमें आपको ये लिक्विड फिल करना है। जैसे ये लिक्विड फिल होता है दोनों तरफ से फोल्ड करें, सेलो टेप लगाएं, फिर ऊपर से मोड़ते हुए फोल्ड करें और सेलो टेप से बिल्कुल सील करें तो ये आपका बढ़िया कोन तैयार हो गया। कैची से काट कर इसके जो फ्लो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरत के हिसाब से बनाएं क्योंकि ये केवल 3 से 4 घंटे ही स्टेबल होता है। अगर फ्लो रुक जाए तो सेफ्टी पिन या सुई डालकर इसकी फ्लो को कंटिन्यू करें। दोस्तों कोन नहीं बना सकते तो ये 3D आउटलाइनर है, 25 से 30 रुपये का आता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप सभी क्राफ्ट पे अपने ज़रूरत के हिसाब से कोनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइंस पहले से सोच के रखें, चाहे तो रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों ये जो पेस्ट है ये मार्बल पाउडर को टक्कर देता है, बस इसमें थोड़ी सी दिक्कत यही है कि ये लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, बस 2-3 घंटे तक ही चलता है। आप जब भी ये वाला कोनिंग करें तो जो भी पैटर्न है, डिज़ाइन है, एक तरफ लाइन खींचें, छोड़ दें, फिर दूसरी तरफ खींचें, जब वो भी सूख जाए फिर वहाँ पर दोबारा करें। तो इस तरह थोड़ा गैप कर करके आपको ये कोनिंग करनी है। कोनिंग जब एक बार ख़त्म हो जाए तो सबको बढ़िया से ड्राई कर लें। दोस्तों आइए एक्रेलिक कलर से हम इसे पेंट करेंगे। हम हमेशा पहला कोट करेंगे, एक कोट जब सूख जाता है फिर हम दूसरा कोट करेंगे, रिजल्ट आने तक हम तीसरा कोट भी कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो हमेशा वही कलर का चुनाव करें। एक्रेलिक कलर अगर ठीक से किया है तो वार्निश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार जब हमारा येलो ड्राई हो गया है तो मैंने सिल्वर कलर लिया है और इसी से हम डिज़ाइन को निकालेंगे। स्पंज पर कलर लगाकर पूरे डिज़ाइंस को कोट करें, एक कोट करें, ना निकले तो दोबारा कोट करें। ज़रूरत के हिसाब से जितने भी डिज़ाइंस हैं सभी पे यही तरीका अपनाएं। और अगर ज़रूरत हो तो गोल्ड कलर भी ले सकते हैं या कोई भी सूदिंग कलर जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इन्हें भी ड्राई होने दें, और अच्छा दिखाना है तो कहीं कहीं कट मिरर लगा सकते हैं और चाहे तो अंदर में कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसके साथ ही हमने जितने भी प्रॉप्स बनाए थे उन्हें हम वॉल पुट्टी के थोड़े थिक पेस्ट से चिपका लेंगे और ड्राई होने देंगे।
कोई भी मजबूत धागा या रस्सी ले सकते हैं। इसे वॉल पुट्टी के पर्ल में गांठ बनाकर सेट करें, तीनों होल में डालकर हैंगर की तरह बना लें। तो दोस्तों, वॉल पुट्टी से बना ये चार पॉकेट प्लांटर तैयार है। आपको जो भी पसंद हो वही बनाएं, ये बिल्कुल आपके बजट में बन जाएगा। घर में इंडोर कहीं भी रखेंगे, आंखों को सुकून मिलेगा। इसे पानी से बचाकर रखें, पानी गिर जाए तो कपड़े से पोंछ लें, पुराना हो जाए तो फिर से कलर कर लें। इस प्लांटर में हमेशा आर्टिफिशियल प्लांट्स ही लगाएं, मिट्टी डालने से ये खराब हो जाएगा। पहले वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो थोड़ा प्रैक्टिस करें। सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप चाहें तो मेरे चैनल क्राफ्ट पॉकेट पे नए बजट वाले क्राफ्ट सीख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी ऐसे अनगिनत क्राफ्ट आइडियाज आने बाकी हैं। कोई भी ऐसा क्राफ्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।